कोरोना की दूसरी लहर का पीक भले ही गुजर गया हो, खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ समय से बच्चों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 20 साल से कम उम्र वाले करीब 12% लोग हैं। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इस बीच भारत सरकार ने बच्चों में कोरोना के लक्षणों के आधार पर उनकी देखभाल और इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसे आज हम एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना से बच्चों की सेहत को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखा है, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें माइल्ड, मॉडरेट से लेकर गंभीर लक्षणों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में किस तरह के लक्षण सामने आने पर क्या इलाज किया जाना चाहिए, इस पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया है कि बच्चों में कोरोना के क्या क्या लक्षण दिखने को मिल रहे हैं, कब तक इनका इलाज घर पर ही किया जा सकता है और उनके माता पिता को क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन में कोरोना से पीड़ित बच्चों को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला, ऐसे बच्चे जिन्हें कोरोना का कोई लक्षण ना हो लेकिन वो पॉजिटिव पाए जाएँ। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनमें हल्के लक्षण हों, जिनमें बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी, थकान, बदन दर्द, नाक बहना, गले में खराश, दस्त, स्वाद और स्मेल नहीं आने की शिकायत रहती है। तीसरा, ऐसे बच्चे जिसमें मॉडरेट या माइल्ड लक्षण हो। माइल्ड लक्षण ही ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा गंभीर लगे तो उसे मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ बच्चों में पेट और आँख से जुड़ी परेशानियाँ भी हो सकती हैं। और चौथा, ऐसे बच्चे जिनमें गंभीर लक्षण हो, यानी सीवियर हो कोविड। कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का सिंड्रोम भी देखा जा रहा है। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में लगातार 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार बना रहता है। ये सिंड्रोम SARS-CoV-2 से संबंधित है। दरअसल बच्चों में भी कोरोना के अलग अलग लक्षण देखने में आ रहे हैं। बच्चों में कोरोना को समझने के लिए सबसे पहले हमें लक्षणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांटना होगा। बच्चों में कोरोना के लक्षणों को सरकार ने 3 कैटेगरी में, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में बांटा है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर इलाज भी अलग अलग होगा। सबसे पहले हल्के लक्षण वाले बच्चों की देखभाल कैसे करें या इनका इलाज कैसे करें, इससे शुरुआत करते हैं। घर पर ही बच्चों को ऑक्सीजन लेवल, बुखार जाँचें, एक चार्ट बनाएं जिसमें बुखार आने का टाइम, बॉडी टेम्परेचर, दिन में कितनी बार बुखार आ रहा है जैसी चीज़ें नोट करें। बाद में डॉक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बुखार के लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। गले की खराश और सर्दी के लिए कुनकुने पानी से गरारे करवाएं। दस्त से पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पोषण के लिए नारियल पानी या फलों का जूस देते रहें। ध्यान रहे कि अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी है। इस दौरान किसी तरह का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि माइल्ड कोरोना लक्षण वाले बच्चे की देखभाल कैसे करें। बच्चे को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा। बच्चों को लिक्विड डाइट दें। छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध बेस्ट है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो फ्यूएट थेरेपी भी शुरू की जा सकती है। बुखार के लिए पैरासीटामोल देते रहें जब भी बुखार आए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि होने पर एमोक्सिलिन दिया जा सकता है। ऑक्सीजन लेवल गिरने पर ऑक्सीजन की भी जरूरत होगी। लक्षण एक जैसे बने रहें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। बच्चों में भी कोरोना के दौरान सांस लेने में परेशानी हो सकती है, इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। एक मिनट में आप कितने बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसे ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। मान लिया जाए कि एक मिनट में आपके बच्चे ने 50 बार सांस लेकर छोड़ा तो उसकी ब्रीदिंग रेट 50 होगी, लेकिन ये अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग होती है, तो उसको आप इंटरनेट पर देख कर उसको उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। अगर गंभीर बीमार बच्चों के इलाज की बात करें तो उनके इलाज के लिए सीने के एक्सरे, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी व लीवर इन्फेक्शन की जांच जरूरी है। बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले भी देखने को मिले हैं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, आँखें, स्किन, ब्रेन में जो भी इन्फेक्शन मिल रहा है उन्हें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। इस बारे में अभी डॉक्टरों के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इसे एक बीमारी घोषित नहीं करके सिंड्रोम कहा जाता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कैसे होता है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक जितने भी मामले आए हैं उनमें देखा गया है कि या तो बच्चे
खुद कोरोना से संक्रमित हुए थे या किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि कोविड और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में क्या कनेक्शन है। अभी तक एक्सपर्ट्स के पास इन दोनों के आपस में कनेक्शन को लेकर ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखा गया है कि कोरोना और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम दोनों के लक्षण एक जैसे हैं, इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां बरती जा रही हैं वही सावधानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से बचने के लिए भी रखें। हैंड वॉश करते रहें, बच्चों तक पहुंच की चीज़ों को सैनिटाइज करते रहें, बच्चों को कोरोना संक्रमित मरीजों से दूर रखें, बच्चों के कपड़े और खिलौनों को रेगुलर धोते रहें। सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स वैक्सीन लगवाएं। बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं आई है, इस पर ट्रायल चल रहा है, इसलिए पेरेंट्स का वैक्सीन लगवा लेना ही बच्चों का सुरक्षा कवच है। बाकी बच्चों के मामले में जो भी अपडेट कोरोना से जुड़ी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।